गजा में इसराइली मजालिम की नई दास्तान रकम। अलकुस अस्पताल और तुर्क दोस्ती अस्पताल पर वहशियाना बम्बारी, एम्बुलेंसेज भी निशाना। रिहायशी आबादी पर फास्फोरस बमों का इस्तेमाल। शिमाली गजा में जमीनी कार्रवाई की कोशिश। जबालिया में बम्बारी से कई घर मिसमार। दर्जनों फलस्तीनी शहीद, तादाद 8,000 से तजावज़ कर गई। 3,500 बच्चे भी शामिल। 22,000 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मों से चूर। इसराइली दरंदाजी का करारा जवाब। अलकसाम ब्रिगेड के मुजाहिदीन इसराइली शहर इरज में घुस गए। सेहूनी अस्करी तंसीबात पर हमले। शिमाली इसराइल में टैंक तबाह, एक फौजी हलाक, 3 जख्मी। हिजबुल्ला ने जनूबी लबनान की सरहद पर दुश्मन का ड्रोन मार गिराया। हमास का साइबर वॉर में भी बड़ा हमला। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का ईमेल अकाउंट हैक कर लिया। एजेंट्स के नाम, पते और ऑपरेशन का डेटा लीक हो गया। इसराइली फौज गजा में शिकस्त का गुस्सा। मगरबी किनारे के फलस्तीनियों पर निकालने लगी। जनीन कैंप पर इसराइली तैयारों की बमबारी। रिहायशी इमारत में आग भड़क उठी। 2 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। अस्पताल पर बिल्डोजर चलाने की कोशिश। शहरियों का पथराव। इसराइली फौज इतनी कमजोर है, पहले इल्म नहीं था। 7 अक्टूबर को पता होता तो सीधा तल अबीब पर हमला करते। सेहूनियों की कम हिम्मती पर हमास रहनुमा मूसा मोहम्मद अबू मरजूक भी हैरान। कहा, कुछ अरब लीडर हमास का खात्मा चाहते हैं। मगरबी किनारे के भाइयों और हिजबुल्ला से उम्मीदें ज्यादा हैं। अमरीका और इसराइल जंगी गठजोड़ के बाद तुर्की और ईरान भी एक्टिव। तुर्क बहरी बेड़े की आबनाए बास्फोरस में नकल हरकत। 100 से ज्यादा जहाजों का गश्त। ईरान की भी जंगी मशक्कें। सऊदी वजीर खारजा का ईरानी हम मनसब से राबता। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सलामती काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। इसराइल को दिफा का हक हासिल है, लेकिन इंसानी कवानीन का भी एहतराम किया जाए। अमरीकी सदर का नेतन्याहू को फौन। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर की यरगमालियों की रिहाई के लिए आर्जी जंगबंदी की तजवीज। निहत्ते फलस्तीनियों पर मुसलसल बमबारी, दुनिया के सब्र का पैमाना लबरेज। दागिस्तान में सैकड़ों अफराद का एयरपोर्ट पर धावा। तल अबीब से आने वाली परवाज को घेरे में ले लिया। इसराइली शहरी तैयारे में छुपे रहे। अदालतें हंगामा आराई से बाला। बदलती सियासत से बेनियाज होकर जमहूरियत के मुस्तकबिल पर नजर रखें। सियासी जमातों के बरक्स अदालतों को अवामी हिमायत हासिल करने की जरूरत नहीं। अदालतों को आईन और कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए, भले अवामी जज्बात इसके खिलाफ हो। नैब तरामीम के खिलाफ केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का 27 सफात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल की समाअत इन कैमरा करने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, तहरीरी जवाब जमा कराएं फिर फैसला करते हैं। पहले ये तो तय हो जाए कि ऑडियो कहां से आई और लीक कैसे हुई। वफाकी हुकूमत को 1 माह में जवाब जमा कराने की हिदायत। निगरा वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की मुआशी सियासी और अमनोआबाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। गैर मुल्की गैर कानूनी अफराद की वतन वापसी के अहकामात की मंजूरी एजेंडे में शामिल। हज पॉलिसी 2024 भी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला की डेडलाइन में सिर्फ 1 रोज बाकी। मैपिंग और जियो फेंसिंग से गैर कानूनी अफराद की निशानदेही 1 नवंबर से एक्शन होगा। गैर कानूनी अफराद को पनाह देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। अब तक 92,000 से ज्यादा अफगानी रजाकाराना तौर पर वापस जा चुके हैं। स्टेट बैंक आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनिटरी पॉलिसी का आज ऐलान करेगा। मुआशी माहरीन को शरह सूद में कमी या बरकरार रखने की उम्मीद। इस वक्त शरह सूद 22% की सतह पर है। मौलाना तारिक जमील के छोटे बेटे ने खुदकुशी कर ली। आसिम जमील ने अपने सीने पर गोली मारी। बड़े बेटे यूसुफ जमील के मुताबिक आसिम बचपन से डिप्रेशन के मर्ज में मुब्तला थे। गुज़िश्ता 6 माह से बीमारी की शिद्दत में इजाफा हो गया था। गार्ड की बंदूक से खुदकुशी की। आसिम जमील की नमाज जनाजा आज तुलंबा में अदा की जाएगी। बस के लिए बहुत काफी टाइम खड़ा होना पड़ता है। कंडक्टर ड्राइवर्स उनका माहौल सही नहीं होता। सोसाइटी में गर्ल्स के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाए कितनी किस किस चीज का सामना करना पड़ता है। एज यू ऑल नो हैरेसमेंट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स।
मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलियात को तरसने लगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कम तादाद और बदहाली, सफर बबाले जान। मैस ट्रांजिट सिस्टम का पहला मंसूबा ग्रीन लाइन अधूरा। पीपल्स बस सर्विस भी जरूरत का महज 1% हिस्सा पूरा कर सकी। आजाद खालिस्तान की तहरीक जोर पकड़ गई। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में रेफरेंडम, 65,000 से ज्यादा सिखों ने हक रायदेही इस्तेमाल किया। दो मराहिल में होने वाली वोटिंग में अब तक 2,00,000 से ज्यादा सिख हिस्सा ले चुके हैं। शुरका का मकतूल रहनुमा हरदीप सिंह के कातलों को भी कटेरे में लाने का मुतालबा। जमहूरिया तुर्किया के 100 साल मुकम्मल। समंदर में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान जगमगा उठा। दूसरी सदी में दाखिल हो रहे हैं जो हमारी है, सदर रजब तैयब एर्दवान का आवाम से खिताब। भारत को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन गया। आलमी कप में सूरमाओं ने लगातार छठा मैच जीत लिया। इंग्लैंड को बासानी 100 रन से शिकस्त। 229 रन के जवाब में इंग्लिश टीम 129 रन पर ही ढेर। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड का पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर। चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करने के लाले पड़ गए। क्रिकेट के आलमी जंग में आज श्रीलंका और अफगानिस्तान टकराएंगे। पॉइंट्स टेबल पर श्रीलंका का 5वां और अफगानिस्तान का 7वां नंबर है। लंकन टाइगर्स की शिकस्त पाकिस्तान टीम के लिए फायदेमंद होगी। शाहीनों का सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार रखने का मिशन। ग्रीन शर्ट्स आज कोलकाता के तारीखी मैदान में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान मेगा इवेंट में अपना 7वां मैच कल बांग्लादेश से खेलेगा। कौमी टीम के लिए मैच डू और डाई बन गया। शिकस्त की सूरत में बाबर 11 मेगा इवेंट से बाहर हो जाएगी। कामयाबी मिली तो अगर मगर का खेल शुरू हो जाएगा। इटली के योर्ग सेनर ने वियना ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त का सामना। आजाद खालिस्तान की तहरीक जोर पकड़ गई। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में रेफरेंडम, 65,000 से ज्यादा सिखों ने हक रायदेही इस्तेमाल किया। दो मराहिल में होने वाली वोटिंग में अब तक 2,00,000 से ज्यादा सिख हिस्सा ले चुके हैं। शुरका का मकतूल रहनुमा हरदीप सिंह के कातलों को भी कटेरे में लाने का मुतालबा। जमहूरिया तुर्किया के 100 साल मुकम्मल। समंदर में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान जगमगा उठा। दूसरी सदी में दाखिल हो रहे हैं जो हमारी है, सदर रजब तैयब एर्दवान का आवाम से खिताब। भारत को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन गया। आलमी कप में सूरमाओं ने लगातार छठा मैच जीत लिया। इंग्लैंड को बासानी 100 रन से शिकस्त। 229 रन के जवाब में इंग्लिश टीम 129 रन पर ही ढेर। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड का पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर। चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करने के लाले पड़ गए। क्रिकेट के आलमी जंग में आज श्रीलंका और अफगानिस्तान टकराएंगे। पॉइंट्स टेबल पर श्रीलंका का 5वां और अफगानिस्तान का 7वां नंबर है। लंकन टाइगर्स की शिकस्त पाकिस्तान टीम के लिए फायदेमंद होगी। शाहीनों का सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार रखने का मिशन। ग्रीन शर्ट्स आज कोलकाता के तारीखी मैदान में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान मेगा इवेंट में अपना 7वां मैच कल बांग्लादेश से खेलेगा। कौमी टीम के लिए मैच डू और डाई बन गया। शिकस्त की सूरत में बाबर 11 मेगा इवेंट से बाहर हो जाएगी। कामयाबी मिली तो अगर मगर का खेल शुरू हो जाएगा। इटली के योर्ग सेनर ने वियना ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त का सामना। और समंदर की ऊंची और खौफनाक लहरें सबसे बड़ा चैलेंज। फ्रांस में तारीखी कश्ती रानी के मुकाबले शुरू। तेज हवाओं के बाईस सेलर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। एक कश्ती पर सिर्फ 2 सेलर्स की इजाजत है।